फोर बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है. ए पार्ट में आपसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करवाएंगे. ए पार्ट में आपसे ट्रिग आइडेंटिटी मूव करवाएंगे. बी पार्ट में एक इंटीग्रेशन करवाएंगे. So, do part B, even if you could not solve the identity. अच्छा, ये बड़ी पॉपुलर टाइप है, ये बहुत ज्यादा आती है. और इसका मसला ये, बच्चा डर जाता है. एक तो बच्चे को आइडेंटिटी प्रूविंग से डर लगता होता है, दूसरा बच्चे को इंटीग्रेशन से डर लगता है. तो ये बच्चे ना बिल्कुल ही छोड़ने के लिए राजी होते हैं. हालांकि ये सबसे ईजी टाइप है. इसकी अगर आपसे आइडेंटिटी नहीं भी प्रूव हो रही ना, आपने इसका निचला पार्ट लाजमी करके आया करना है. कैसे, मैं आपको समझाता हूँ. और वो बड़ी आसान इंटीग्रेशन आती है यहाँ पे. अच्छा, मैं आइडेंटिटी प्रूफ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आइडेंटिटी के सारे प्रूफ मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करवाए हुए हैं, तो वो वहां से जाके रिवाइज करने हैं अगर किसी ने भी करने हैं. तो पहला पार्ट है जी, प्रूफ करेंगे आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी तो हम ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करके आए हुए हैं, वो नहीं मैं करूंगा अभी. ठीक है, ट्रिक के नोट्स देखना जाके, वहां पे मैंने आइडेंटिटी प्रूफ की हुई है. ठीक है, यूजिंग दिस रिजल्ट. अच्छा, ये बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है. यूजिंग दिस रिजल्ट या हेंस लिखा होता है. ठीक है, इसका मतलब है आप पिछले पार्ट के अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते थे, आपने पिछला पार्ट ही यूज करना है. आप खुद से इंटीग्रेट नहीं कर सकते. ठीक है, यू कैन नॉट इंटीग्रेट ऑन योर ओन. यू कैन नॉट इंटीग्रेट विदाउट यूजिंग पार्ट ए. अगर आपने कर भी लिया, ठीक आंसर आ भी गया, तो भी उन्होंने आपको कोई मार्क नहीं देना है, ये बात याद रखिएगा. ठीक है. अच्छा, तो बच्चे कहते हैं सर आपने कहा था इवन पावर 2 से बड़ी नहीं आएगी. बेटे मैंने बिल्कुल कहा था, और अभी भी आपको ये इवन पावर से सॉल्व करने के लिए नहीं आया. पावर 4 आई हुई है ना साइन की, लेकिन ये ऑड इवन पावर से सॉल्व करने को नहीं आया हुआ है, ये ऊपर से आया हुआ है. अब आपने करना क्या है, स्टेप जरा पढ़िएगा मैंने क्या लिखा है. जिस चीज को आपने इंटीग्रेट करना है ना, साइन की पावर 4 थीटा, इसको यहां से ट्रिग्नोम अपनी आइडेंटिटी में से सब्जेक्ट बना ले. तो जब मैं सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो मैं कहता हूं साइन की पावर 4 थीटा विल बी इक्वल टू कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 पूरी चीज के नीचे डिवाइडेड बाय 8. ये सब्जेक्ट बन गई. इसको यहां पे प्लग इन कर दें बस. हम जरा देखिएगा, आसान इंटीग्रेशन है, थोड़ी सी मैनेज करके करेंगे. कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 ओवर 8. अगर कोई नंबर सारे के नीचे कॉमन आया हो तो हम क्या करते हैं उसको, पाई बाय 3 से पाई बाय 6 तक जाना है. पहले 1 बाय 8 को बेटे कॉमन निकाल देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ, ये बच गया कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 डी थीटा. अब बेटा जी, अगर कोई टर्म्स प्लस माइनस हो रही हैं, तो वह अलग अलग इंटीग्रेट हो सकती हैं. स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें, इनको अलग अलग करें. कॉस 4 थीटा अलग इंटीग्रेट होगा माइनस 4 कॉस 2 थीटा अलग इंटीग्रेट होगा. प्लस 3 अलग इंटीग्रेट होगा. जी पहले वाले में देखिएगा जी, सिर्फ पास ऑपरेटर है. बॉक्स बना 4 थीटा, तो बॉक्स आ गया जी 4 थीटा. बॉक्स की डिफरेंशिएशन आ गई आपके पास 4. अब आप बाहर 4 लगाएंगे, इधर 1/4 लगाएंगे, तीन चीजें गायब हो जाएंगी. कॉस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन 4 थीटा, और ये बाहर वाला 1/4 लग गया यहाँ पे, ये 1/8 है माइनस. अच्छा बेटी, अब ये देखें, ये जो 4 लगा हुआ है, ये जो इस जगह पे 4 लगा हुआ है, सॉरी माइनस, ये जो 4 लगा हुआ है बेटा यहां पे, ये जगह मुझे खाली चाहिए. तो मैं इस 4 को उठा के बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि ये कॉमन है यहां पे. तो बेटा आप इस 4 को पकड़ेंगे, जो नंबर कॉमन निकला होता है उसको हमें इजाजत होती है, हम उसको बाहर निकाल दें. तो ये 4 को हमने बाहर निकाल दिया, ये जगह खाली कर ली. क्योंकि आप देखिए कॉस ऑपरेटर है, बॉक्स बना 2 थीटा, बॉक्स की डिफरेंशिएशन बनी 2. बेटे यहां पे आप 2 लगाएंगे, बाहर डिवाइडेड बाय 2 लगाएंगे, तीन चीजें खत्म कर देंगे आप. ठीक है, और तीन चीजों को खत्म करने के बाद आपके पास कॉस की इंटीग्रेशन हो जाएगी, साइन 2 थीटा, और माहिर 4/2 लगा हुआ था,
प्लस थ्री की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थ्री थीटा. अब दिस इज गोइंग टू बिकम फाइनली 1/8 इंटू फोर, 1 by sine 4 theta by 4 माइनस 2 sine 2 theta प्लस 3 theta. ठीक है, इसको एक सेकेंड में sine 4 theta by 4 को बस आगे शिफ्ट करते हैं और इसको यहाँ पे 1/4 लिखते हैं. ठीक है, अब इसके ऊपर जी मुझे लिमिट चाहिए, मैं लिमिट लगाऊंगा इसके ऊपर जी. सो अब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए आपको, ये देख लें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, मतलब टेबल वैल्यूज यूज होंगी हम. ठीक है, तो टेबल जरा याद कर लें, 4 into π/3 माइनस 2 sine 2 into π/3 प्लस 3 into π/3. यार मैं क्या करूं, ऐसे तमीज से मानते ही नहीं है कोई. माइनस 1/8 लोअर लिमिट पुट करते हैं, 1/4 साइन 4 into π/6 और माइनस 2 sine 2 into π/6 प्लस 3 into π/6. अच्छा, अब 4π/3 का आंसर कैसे निकालना है, ये मैं एक का करके दिखा देता हूं फिर अगले तुम लोगों ने करने हैं ये, बल्कि मैं थोड़ा सा नीचे जाके ये वर्किंग करके दिखा देता हूं. अच्छा, साइन 4π/3 को कैसे हैंडल करना है, आपने कहना है जी पाई बाय थ्री क्या होता है, पाई बाय थ्री क्या होता है, पाई बाय थ्री होता है 60. 4 into 60 क्या होता है, 240. तो ये हो रहा है साइन ऑफ 4 into 60. सो बेसिकली आपने साइन 240 का आंसर निकालना है. अब आपको याद है मैंने शुरू में सिखाया हुआ, आप ग्रिड बनाते हैं, 240 का एंगल बना लोगे यहाँ पे, ये पूरा 240 हो गया. अगर ये 240 है तो इसका बेसिक एंगल कितना होगा, बेसिक एंगल यहां पे बन रहा होगा 60. तो हम सहेंगे साइन 240 और साइन 60 की वैल्यू सेम होगी. साइन 60 क्या होता है, अंडर रूट 3. लेकिन साइन 240 क्या होगा, माइनस अंडर रूट 3, बिकॉज ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये टैन के क्वाड्रेंट में. ठीक है, सो साइन इसका आंसर आएगा माइनस अंडर रूट 3. ठीक है, इसी तरह 2π/3 को देख लो, साइन 2π/3 किस तरह हैंडल होना है. अगेन आप क्या कहोगे, पाई बाय थ्री क्या होता है, पाई बाय थ्री होता है 60. 16 into 2 क्या हो गया, 120 साइन 2 into 60. तो हम बेसिकली ढूंढना चाह रहे हैं साइन 120 का आंसर. तो आप ग्रिड के ऊपर जाओगे, आप 120 का एंगल बना लोगे, हमने कहा था वही बेसिक एंगल की भी वही वैल्यू होती है, ये 60 आ जाएगा, बेसिक एंगल फिर 60 आ गया यहाँ पे. सो 120 का बेसिक एंगल अगर 60 आ गया तो हम कहेंगे कि इसकी सेम वैल्यू होगी जो साइन 60 की थी. साइन 60 की वैल्यू हमें पता थी अंडर रूट 3 थी, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 3 किसके क्वाड्रेंट में खड़े हैं, साइन के में, तो ये प्लस अंडर रूट 3 आंसर देगा आपको. सो दिस विल गिव यू प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पे 2π/3 ये फिर सेम देगा और ये खाली π/3 हो जाएगा. ओके, सो अब हमें ये पता चल गया, इन वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, इनटू 1/4 माइनस 2 into दिस प्लस पाई, सारे के बाहर 1/8 लगा हुआ है, माइनस 1/8 इनटू 1/4 जी साइन 2π/3 अभी हम निकाल के आए हैं, प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 sine π/3, पाई बाय 360 होता है जी, अंडर रूट 3 और प्लस पाई बाय 2. इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और फाइनल आंसर दे देंगे पाई और इसकी टर्म्स में. अच्छा, ये नीचे वाली जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, ये तो बेसिकली आपकी ट्रिग्नोमेट्री से अराइज कर रही होती हैं. तो जिस किसी को इसके नीचे मसला आ रहा है, जो मैंने इंटीग्रेशन का सिखाना था वो यहां पे है, ऊपर है. दिस इज इंटीग्रेशन ओनली, दिस इज इंटीग्रेशन. इसके नीचे अगर किसी का रोना निकल रहा है तो बेटे वो आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं ठीक से पढ़ी हुई. ठीक है, दिस इज होल योर ट्रिग्नोमेट्री बेस.
ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स हैं, एडवांस भी नहीं है। तो अगर अब आपने टेबल नहीं याद किया हुआ, आपने बेसिक एंगल देखना नहीं सीखा हुआ, तो यू हैव टू गो बैक टू योर ट्रिग्नोमेट्री एंड लाइक यू नो फिगर आउट द प्रॉब्लम ओवर देयर।